अगर मैं आपको एक बल्ब, एक सेल और कुछ वायर्स दूं, तो आप सेल को बल्ब से कैसे कनेक्ट करोगे? इनको कनेक्ट करने का एक ही सिंपल तरीका है, ऐसे। पर अगर मैं आपको दो बल्ब दूं, तो इनको सेल से कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक तो हम दोनों बल्ब को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर सेल से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों बल्ब्स को डायरेक्टली सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। इन सर्किट्स को सीरीज और पैरेलल सर्किट्स कहते हैं और आज के सेशन में हम इनके बारे में सीखेंगे। इन सर्किट्स को दिखाने का स्टैंडर्ड तरीका ये है। ध्यान दो कि ये पैरेलल सर्किट हमारे पहले वाले सर्किट से थोड़ा अलग है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सर्किट्स एग्जैक्टली सेम ही हैं। तो पहले सीरीज सर्किट को देखते हैं। किसी कारण से अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो दूसरी डिवाइस का क्या होगा? क्या वो वर्क करेगा? नहीं। अगर एक डिवाइस काम करना बंद करेगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। अब पैरेलल सर्किट को देखते हैं। अगर इनमें से कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरे बल्ब के लिए सर्किट ओपन होगा या क्लोज्ड? ये क्लोज्ड होगा। क्या आपको ये समझ आया? दूसरे बल्ब में करंट अब भी फ्लो होगा और वो वर्क करेगा। तो आपने पैरेलल सर्किट का एडवांटेज देखा। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में कौन सा सर्किट होगा? थोड़ा सोचिए। तो अगर आपका फैन काम करना बंद कर दे तो क्या आपका बल्ब भी काम करना बंद कर देता है? नहीं ना। तो इसका मतलब कि आपके घर का सर्किट पैरेलल होना चाहिए, राइट? अब अगर कोई डिवाइस फेल होती है तो सीरीज में सारी डिवाइसेस फेल हो जाती हैं और पैरेलल में सारी डिवाइसेस काम करती हैं। सर्किट का टाइप पता करने का यह अच्छा तरीका है। ओके, अब दोनों सर्किट्स में करंट फ्लो को एनालाइज करते हैं। अब सीरीज सर्किट में सेल से निकला हुआ करंट पहले फर्स्ट डिवाइस के थ्रू जाएगा और फिर सेकेंड डिवाइस के थ्रू, तो सारे डिवाइसेस में करंट सेम होता है। पर पैरेलल सर्किट में सेल से निकला हुआ करंट I इस जंक्शन तक पहुंचता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। ये बिल्कुल किसी Y शेप के पाइप से फ्लो करते हुए पानी जैसा है। मेन पाइप से आया हुआ पानी दो स्ट्रीम्स में बह जाता है। पैरेलल सर्किट में करंट के साथ भी यही होता है। अब मान लेते हैं कि इस आर्म में करंट I1 है और इस आर्म में I2। ये दोनों स्ट्रीम डिवाइसेस से फ्लो होती हुई दूसरे जंक्शन पे मिलती है। आपको क्या लगता है, इन स्ट्रीम्स के मिलने के बाद टोटल करंट कितना होगा? ये ऐड होने के बाद I ही होना चाहिए, राइट? तो पैरेलल सर्किट में सेल से जो करंट निकलता है वो अलग अलग डिवाइसेस में बढ़ जाता है। ये सीरीज से बिल्कुल अलग है, जहां सारी डिवाइसेस में सेम करंट फ्लो करता है। अब इन सर्किट्स में वोल्टेज कैसे चेंज होता है ये देखते हैं। पहले पैरेलल सर्किट को लेते हैं। अब इस डिवाइस को देखिए, इसके दोनों टर्मिनल्स सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? यस, ये सेल के वोल्टेज जितना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ दूसरी डिवाइस के साथ भी होता है, क्योंकि ये भी सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पैरेलल सर्किट में हर डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होता है और ये सेल के वोल्टेज के इक्वल होता है। अब सीरीज सर्किट में वोल्टेज देखते हैं। तो पहली डिवाइस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? दोनों बल्ब्स का एक टर्मिनल सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है पर दूसरा टर्मिनल नहीं है, तो वोल्टेज सेल जितना तो पक्का नहीं होगा। अब पहली डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे V1 नाम देते हैं और इन पॉइंट्स को A और B। तो V1 VA-VB जितना होगा, राइट? उसी तरह से दूसरी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज V2 VB-VC के इक्वल होगा। और अगर हम V1 और V2 को ऐड करें तो हमें VA-VC मिलेगा। अब VA-VC कितना होगा? ये सेल के वोल्टेज जितना ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 V के बराबर होगा। तो सीरीज सर्किट में सेल का वोल्टेज डिवाइसेस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब तक हमने दो डिवाइस वाली सर्किट्स देखी हैं, पर अगर मल्टीपल डिवाइस वाले सर्किट्स हो तो भी वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। सीरीज में करंट सेम होता है और हर डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता है।
और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और हर डिवाइस के अक्रॉस करंट चेंज होता है। आई होप आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट के बिहेवियर के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पहले देखा कि मल्टी डिवाइस सर्किट्स दो तरह के हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में अगर एक डिवाइस फेल हुआ तो सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे, पर पैरेलल में अगर एक डिवाइस फेल हुआ तब भी बाकी के डिवाइसेस काम करेंगे। इसी वजह से घरों में पैरेलल सर्किट्स यूज होते हैं। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है और हर डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है और हर डिवाइस के अक्रॉस करंट चेंज होता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।